नमस्कार, कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले हम बच्चों, जैसे पिछले पहले प्रश्न में किया, हम दो समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इसे आगे हल करेंगे। आइए देखते हैं। एक समीकरण हमें दी है 2x + 3y = 11, दूसरी समीकरण हमें दी है 2x - 4y = -24। सबसे पहला काम क्या है कि हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसके बाद मैं इक्वेशन 1 को हल करता हूँ। हल कैसे करना है, 11, 3y इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, उसके बाद x = 11 - 3y, 2 इस x के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और आपको पता है पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया, इसी वैल्यू को हम 1 को सॉल्व करके निकाला, तो इक्वेशन 2 में इसे इस x की वैल्यू को रखेंगे। आइए देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन में देखिए, ये है 2 लिखा इंटू x की जगह मैं ये x की वैल्यू लिखूंगा जो कि आई है 11 - 3y / 2। आगे है -4y - 4y = -24। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 में x की जगह जो x की वैल्यू आई थी वो लिखी है, बाकी सारी इक्वेशन 2 को ऐसे ही लिखा है। अब हम इसे हल करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले ही ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जैसे ही ये कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बच गया 11 - 3y और ये है -4y = -24। अगले स्टेप में y वाली रकमें आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, 3y और 4y 7y, साथ में साइन माइनस का, बराबर इधर हो जाएगा -24, 11 इधर प्लस हो रहा उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया -7y = -24। 24 में 11 प्लस करेंगे तो वो आ जाता है 35, साथ में साइन माइनस का। अगले स्टेप में बच्चों y = -35, -7y के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 35 कटेगा, 7 × 5 = 35। इसका मतलब क्या है, हमारे पास y का मान कितना आ गया है, 5। y का मान कितना आ गया है, 5। अब हम ये y का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, क्यों, ताकि y का मान यहाँ रखने से हमें x का मान पता चलेगा। तो पुट the value of y in equation 3। तो देखिए equation 3 में था x = 11 - 3y / 2, x = 11 - 3y / 2, यानी कि 11 - 3 × y है 5/2, यानी कि 11 - 5 होता है 15/2, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 15 में से 11 निकाले 4, 7 में साइन बड़ी रकम का माइनस, 2। यदि हम इसे हल करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2। इसका मतलब x का मान कितना आ गया है, साथ में माइनस भी है, -2 आ गया है। ठीक है जी, यहाँ से हमें पता चला कि y आया है 5 और x आया है -2। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया था m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यही y = mx + 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह जो हमारी x की वैल्यू आई और y की जगह जो y की वैल्यू आई वो लिखेंगे। देखिए y कितना आया था, 5, तो इस y की जगह मैं लिखता हूँ 5 = m, मुझे नहीं पता तो m को रहने देता हूँ ऐसे ही। x कितना आया अभी हमने निकाला, -2,
प्लस तीन। अगले स्टेप में पाँच, तीन यहाँ इसके साथ प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये है माइनस दो गुना एम हो जाएगा माइनस टू एम। पाँच में से तीन निकाला, दो बराबर माइनस टू एम, तो एम कितना आ जाएगा दो, माइनस दो इसके साथ गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग बराबर एम। अब आप ध्यान से देखेंगे ये दो से दो तो कट जाएगा, माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस। इसका अर्थ ये है कि m आया है माइनस वन, m आ गया है माइनस वन, यही हमें निकालना था ना। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस तीन हो, तो m का मान हमने निकाल दिया है m बराबर माइनस वन, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टेप से आपको ये समझ ना आया हो तो उस स्टेप को दोबारा पीछे जाकर रिवाइंड करके देखिए और अच्छे से इस प्रश्न को समझिए। यदि आपको ये प्रश्न समझ आए तो हमारे वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।